राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, मगर आप देखिए कि इन सीटों पर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। इन सीटों में से एक सीट ऐसी है जहां सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी के लिए चिंताजनक स्थितियां बनी हुई है। भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के गढ़ को डहाने के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आगामी 4 अक्टूबर को बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम के जनजाति विभाग की ओर से अति गौरव समारोह कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिहाज से इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी से अलग होने के बाद बाप पार्टी का दबदबा 84 सहित प्रदेश की तकरीबन 15 विधानसभा क्षेत्रों में नजर आने लगा है। खास बात यह है कि 84 में बीजेपी के लिए चुनौती मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस नहीं बल्कि बाप पार्टी है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के बाद से इस साल के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर यदि नजर डाले तो बाप पार्टी की मजबूती का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यहां पर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस बाप के साथ गठबंधन की बजाय अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा के वोट शेयरिंग का आंकड़ा देखा जाए तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत का वोट शेयर 38.22 से बढ़कर 57.30% हो गया है, जबकि बीजेपी के वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत 30.51 से घटकर 26.23% तक ही सीमित हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक 21.41 से गिरकर महज 3.64% तक ही सिमट चुका है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को 64,119 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी सुशील कटारा को 51,185 वोट मिले थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े, इस दौरान उन्हें 1,11,150 वोट तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुशील कटारा को 41,984 वोट मिले थे। राजकुमार रोत ने बीजेपी प्रत्याशी को 59,166 वोट के अंतर के भारी मतों से शिकस्त दी। इस साल लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को 8,20,831 वोट मिले, जबकि कांग्रेस से बागी होकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और उन्हें महज 5,73,777 वोटों में ही संतोष करना पड़ा। अब 84 विधानसभा के क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी बाप पार्टी के गढ़ को ढहाना चाहती है तो वहीं बाप भी अपने गढ़ की किलेबंदी को पूरी तरह से मजबूत करने में लगी हुई है। इन सबके बीच कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस पाने के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।